यमुना को नहाए वो संत दरस यमुना को नहाए वो ब्रज रस वास श्याम रस पाए वो ब्रज रस वास श्याम रस पाए रस पर से रस पर से रस पर से आठो या राधे राधे गाएंगे रस भर से आठो या राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे मीठो लगे रे ओ मीठो लगे रे ओ मीठो लगे रे किशोरी जहाँ नित्य भरती पानी मोती जहाँ नित्य भरती पानी जहाँ
चरणन को जहाँ चरणन को जहाँ चरणन को चेरो श्याम श्री राधे राधे गाएंगे ओ जहाँ चरणन को चेरो श्याम श्री राधे राधे गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम को मनाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम को धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो गौ माता की सेवा हो विश्व में शांति हो शांति हो विश्व में शांति हो ओ शांति 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 सभी अपने सर पे वस्त्र रखे अथवा अपना सर ढक लें। भागवत का प्रथम श्लोक आप सभी उच्चारण करेंगे और भागवत प्रारंभ करेंगे यहां से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनको प्रणाम करके हम और आप सभी श्रीमद् भागवत
भय मुक्त करने वाली कथा है। जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। सब लोग डरते हैं वो मृत्यु से। सबको चाहिए दीर्घ आयु। भय लगता है कि मर गए तो क्या होगा। इस संसार में अगर सबसे ज्यादा सच है तो वो है मृत्यु। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पर उम्र बीत गई आते आते। यहां आने में तूने बहुत टाइम लगा दिया। What is the end of your life? अंत क्या है हमारी तुम्हारी जिंदगी का? हमारा तुम्हारा होगा क्या? इस सच्चाई को न पैसे से जुटलाया जा सकता है, न बल से जुटलाया जा सकता है, न पद से जुटलाया, ये जुटलाया नहीं जा सकता माय डियर, ये जुटलाया नहीं जा सकता। एक बात कंफर्म है, वन डे यू विल डाई, एक दिन तुम्हें मरना पड़ेगा। आई डोंट नो कि वो दिन कब आ जाए, यू डोंट नो वो दिन कब आ जाए। बहुत से लोग हैं नासमझी में ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म की परिभाषा को ढंग से समझते नहीं, नहीं जान पाते हैं धर्म किसको कहते हैं। ये आरती कर लेना, मंदिर में चले जाना, इवन कथा भी सुन लेना, क्या ये धर्म है? ये तो तुम्हारा कर्म है। धर्म क्या है? बोले इसे अपने जीवन में उतारना। जब तुम कहते हो तुमेव माता च पिता तुमेव, तो वो सिर्फ कहने के लिए ना हो, वो जीवन में उतर जाए। आरती करते वक्त कहते हो प्रभु मैं किसी का बुरा न करूं, तो वो जीवन में उतर जाए। कथा में बार बार सुनाया जाता है, अगर तुम भला किसी का कर नहीं सकते, बुरा किसी का मत करना, तो बुरा हो न जाए। एक व्यक्ति अभी मेरे पास में आए जिनके कोई औलाद नहीं, अच्छी खासी संपत्ति है। कहने लगे महाराज हम तो एक ही बात को लेके रोते हैं। मैंने किस बात को लेके? बोले जब हम मर जाएंगे तो हमारे रिश्तेदार बहुत रोएंगे, लड़ेंगे आपस में। मैंने कहा क्यों रो लड़ेंगे? बोले इस संपत्ति को लेके लड़ेंगे, इसका क्या करें हम। मैंने तो कहा तैयारी कर ले कुछ, जब जाए तो थोड़ा सा ले जाइए, शमशान तक चला जाए जितना जितना ले जा सके। बोल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो जिसने तुझे दिया है उसी के नाम पे कुछ अच्छा कर जा, जितना तुझे अच्छा लगे उतना अच्छा कर जा। और मैं वादा करता हूं मेरा वायदा है तुम्हारे साथ, तब तुम नहीं कहोगे कि इन्हें साथ नहीं जाएगा, तब वो तुम्हारे साथ जाएगा। ये जो हमारे जजमान बैठे हैं बड़े माइंडेड है, ये साल में इसीलिए खर्चा करते हैं कि कम से कम इतना तो जाए हमारे साथ, और ये जाएगा। जितना भी अगर आपका भी अगर मेरा भी अगर यहां आने में मेरा भी एक रुपया लगा है तो वो मेरे साथ जाएगा, क्योंकि मैं यहां कथा करने आया हूं। आपका यहां कथा पंडाल तक आने में अगर आपका किराया पेट्रोल डीजल जो भी लगा है वो आपके साथ जाएगा। क्यों? आपका लक्ष्य यहां कथा सुनने आना है। तेरा तुझको अर्पण,
ये सिर्फ बोलने के लिए न रह जाए, ये जीवन में उतर जाए, तब होगा सच्चा प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है नमन, नमन का मतलब होता है नतमस्तक, नतमस्तक का मतलब है पूर्णतः समर्पण, मेरा मेरा कुछ नहीं। तब होगा नमन, मेरा मन भी अब मेरा नहीं है, मेरा मन भी अब तेरा है। दिस इज टोटली नमन। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ, समर्पण करो पहले। हाँ, एक और बात कहना चाहूंगा, समर्पण का भी अभिमान ना हो जाए। दिस इज बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर हम चार माला भी कर लें तो उन चार मालाओं का अभिमान हो जाता है। मुझे लगता है कि भगवान भी खुश हो रहा होगा, अगर मैं चार माला नहीं करूं तो भूखा बैठ जाएगा बेचारा भगवान। यू आर रॉन्ग माई डियर। सबसे पहली बात समझ लो, एक करो या करोड़ अभिमान मत करना 0% भी। और जिस दिन अभिमान कर लोगे उस दिन मेरा ठाकुर जी इतनी आसमान की ऊंचाई से गिराएगा कि जहां के बाद तुम्हें ऊंचा सर नीचे ऊपर नहीं कर पाओगे। नमन पूर्णतः समर्पण, मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सो तू है। और ये चीजें हम में आएंगी, जब हम में आ जाएंगी तो हमारे बच्चों में। अभी कितनी अच्छी बात है, महात्मा जी कह गए, स्वामी जी कह रहे थे बड़ी अच्छी बात कि देश की तरक्की हुई है या देश का विनाश। कई मानों में हमारे लीडर लोग कहते हैं कि देश की तरक्की हुई है, लेकिन आप कभी सोचा है कि इस तरक्की के साथ हमारा विनाश भी हुआ है? हमारे विचारों का पतन हुआ है, हमारे चरित्र का पतन हुआ है। हर एक व्यक्ति अपनी मैं में जिंदा है। क्यों? पहले किसी के पास 100 रुपए नहीं होते थे, अब सबके जेब में 1,00,000 रुपए तो है ही है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके नाम पे 1,00,000 की प्रॉपर्टी या पैसा ना हो, तो 1,00,000 रुपए का तो अभिमान है ही है कि नहीं? मेरे पापा ये हैं, मेरा भाई ये है, मेरा बापू ये है, मेरा है ये है, इसका तो अभिमान है ही। तो ये अभिमान भी हमें भगवान से दूर कर रहा है। इसलिए मैंने कहा नमन मतलब पूर्णतः समर्पण। मैं तो 0 हूं 0/0, मुझ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मैं चल भी रहा हूं तो तेरी वजह से, मैं बोल भी रहा हूं तो तेरी कृपा से, मैं सुन भी रहा हूं तो तेरी कृपा से, मैं देख भी रहा हूं तो तेरी ये है टोटल समर्पण। और जिस दिन ये हो जाता है जीव का, उस दिन चकाचक आनंद आता है। तब कह सकते हो आनंदमा है? जब कोई पूछे केम छो, तब कह सकोगे आनंदमा। अभी आनंदमा नहीं है, अभी तो महाराज बहुत मेंटली डिस्टर्ब है महाराज, चरा बताइए उपाय। तो आइए, भगवान की ये जो कथा है इसी संदर्भ में एक कथा बहुत अच्छी है। कथा प्रारंभ से पहले मैं आपका और अपना और हमारे ठाकुर जी का एक रिश्ता बता देना चाहता हूं। जितने भी यंग बच्चे सुन रहे हैं अथवा यहां पर सुन रहे हैं अथवा आस्था पर सुन रहे हैं, आप सबको अपने अपने प्यार की कसम है, इस कथा को शेयर जरूर करना अपने प्यार से, जिससे भी आप प्यार करते हो, मम्मी से, भैया से, भाई से, फ्रेंड से, जिससे भी करते हो शेयर जरूर करना, तुम्हें कसम लगे उसी प्यार की। अगर शेयर नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा, कहीं भी शेयर कर दे, फेसबुक पे कर दे, और कहां कहां तू करता है मिलता है तब शेयर कर दे, कुछ भी कर दे कर दे, बस ये कथा ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, और जब कोई संतान नहीं थी तो कृपा की, ठाकुर की कृपा हुई और एक संतान हुई, इकलौता एक राजकुमार। छोटा सा राजकुमार था और उस राजकुमार को कुछ लोग चुरा कर ले गए, और जब भी वो अपने माँ बाप के लिए रोता तो वो चोर लोग उसे कहते हम ही तेरे माँ बाप हैं, तू हम ही अपना माँ बाप समझ। वही उसे खिलाते, वही उसे पिलाते, धीरे धीरे वो अपने माँ बाप को जो रियल माँ बाप थे
राजा और रानी जो उसके माँ बाप थे उनको वो भूल गया, और जब वो भूल गया तो अब उसे लगा कि यही मेरे माँ बाप हैं। छोटा सा था, थोड़ा बड़ा हुआ था, सब भूल गया। अब तो वो वही बोलता जो वो कहते, अब वो वही करता जो वो करते, अब वो वही देखता जो उसे दिखाया जाता है। अब उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती, उसे नहीं पता कि मैं कौन हूं। उसने अपनी पहचान बना ली जो उसकी पहचान बनवा दी गई, जो उसकी पहचान बनवा दी गई उसने वो अपनी पहचान मान ली, स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं यही हूं, और उसी तरह से वो लाइफ स्टाइल जीने लगा। राजा और रानी रोते हैं कि हम पर इकलौता बेटा था लेकिन वो हमें छोड़कर चला गया, कैसे मिलेगा वो हमारा बच्चा, हमें कैसे मिलेगा। अचानक से एक तत्वदर्शी महात्मा वहां पहुंचे और महात्मा ने पूछा राजा और रानी से, तुम रोते क्यों हो? तो राजा रानी ने बताया अपना दुख का कारण कि हमारे पुत्र का पता नहीं है, कौन ले गया, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। तो साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा कि नहीं, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, लेकिन एक और सच्चाई है कि वो तुम्हें भूल गया, अब उन्हें तुम्हारी याद नहीं आती। उसे अब उसे लगता है कि जिनके साथ वो रहता है वही उनके मां बाप है। साधु से राजा बोले, रानी बोली, हम आपके बड़े कृपा पात्र हैं होंगे, अगर आप हमें बता दें वो बच्चा कहां है। बोले बता भी दूंगा तो क्या वो मानेगा? क्यों? बोले अब वो नहीं मानेगा कि तुम उसके मां बाप हो, उसे ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई है, उसे ऐसे पाठ पढ़ा दिए गए हैं कि वो अब तुम्हें मां बाप नहीं मानेगा, वो उन्हीं को मां बाप मानेगा। तो बोले अगर तुम जबरदस्ती लाओगे तो जीवन भर नहीं मानेगा, अगर जबरदस्ती ले आओ और कहो कि हम तुम्हारे मां बाप हैं तो बिल्कुल नहीं मानेगा। जबरदस्ती थोड़ी कोई मां बाप बन सकता है या कोई मान लेगा, और राजी से वो आएगा नहीं। बोले तो महाराज क्या करें? बोले तुम चिंता मत करो, हम जाते हैं और पहले हम उसके भ्रम को मिटाएंगे, उसके बाद हम तुम्हारे पास उसे लाएंगे। बोले ठीक है। महात्मा जी गए, उस बच्चे से मिले, उस बच्चे को बताया कि तुम कहां इन चोर लंपटों में फंसे हो, तुम जिन चोर लंपटों को अपने मां बाप कहते हो तुम ये नहीं हो, तुम अपने आप को अपनी पहचान को भूले बैठे हो, तुम अपनी पहचान को पहचानो, तुम कौन हो? बोले महाराज इन्होंने मुझे पाला पोसा, यही मेरे मां बाप है। बोले नहीं, झूठ है, तुम साधारण परिवार के व्यक्तित्व नहीं हो, तुम तो एक राजा के पुत्र हो, तुम्हारी मां रानी है, वो तड़फती है तुम्हारे लिए, ये तो तुम्हें चोरी करके ले आए। अब वो बच्चे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो कहन उसे पहचान हुई कि मैं राजकुमार हूं, मेरे पिता राजा हैं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने असली पिता से दूर हूं। वो बच्चा इसलिए तड़प उठा क्योंकि उसने अपनी मां की ममता से वो वंचित रहा, वो तड़प उठा और बाबा के पांव पकड़ लिए, बाबा मुझे मेरे मां बाप से मिला दो। बोले ठीक है, चिंता मत कर, चल मेरे साथ। राजा को पता चल गया, राजा ने चारों तरफ से उसके जो भी दुष्ट लोग उसे चुरा कर लाए थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, वो सब समाप्त हो गए और वो राजकुमार जो था वो राजा के पास पहुंचा। राजा और राजकुमार और रानी तीनों ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया उस संत का, जिस संत ने उस परिवार को कंप्लीट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें शेयर करने वाला क्या सिस्टम है, हैं? ये तो एक कहानी है। ये कहानी नहीं है माय डियर, अब तुम्हें तुम्हारी पहचान कराता हूं, अब तुम अपने आप से पहचानना, असली हमारे माँ बाप भगवान है और हम वो राजकुमार हैं जिनकी चोरी कर ली गई है, और जिन्होंने हमें चुराया है
उन्होंने हमारी वास्तविक पहचान छुपा दी और असली पहचान क्या बना दी कि तू मेरा बेटा है, कोई सिंह है, कोई शर्मा है, कोई ये है, कोई वो है, तू ये है, तू वो नहीं है, वो पहचान छुपा दी। हम उसकी औलाद हैं, हम इनकी औलाद नहीं है। भगवान उदास होता है अपनी संतान के लिए कि मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। वो आज भी चिंतित है तुम्हारे लिए, वो आज भी परेशान है तुम्हारे लिए। लेकिन जिन 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 मां बापों ने तुम्हें अपनी एक नकली पहचान दे दी है पाल पोस के, वो मां बाप तुम्हें उन तक जाने नहीं देते। और जबरदस्ती कोई आके वो कह दे कि मैं तेरा बाप हूं तो तुम मानोगे नहीं। तुम्हें कोई तत्वदर्शी चाहिए। इन बिटवीन जब कोई आचार्य आते हैं, जब कोई सदगुरु आते हैं, तो वो तुम्हारी पहचान कराते हैं, इन चोरों से तुमको बचा लेते हैं, माया से तुम्हें बचा लेते हैं, और फिर तुम्हें तुम्हारे असली पिता का परिचय कराते हैं और तुम्हारी अपनी पहचान कराते हैं। तब तुम पहचान पाते हो कि तुम वो नहीं जो तुम्हें बताया गया था, तुम तो वो हो जो तुमसे छिपाया गया था। तुम कौन हो? तो कमजोर, गरीब, अमीर, फकीर नहीं हो, तुम परम पिता की औलाद हो और तुम राजकुमार हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा राजा मेरा गोविंद है और तुम उसी की औलाद हो। तुम राजकुमार हो माय डियर, तुम राजकुमारी हो। बस कब? जब तुम अपनी पहचान पहचान लो, कोई सदगुरु की कृपा हो जाए। जब भी किसी सदगुरु की वजह से परमात्मा को उसकी औलाद मिलती है, ठाकुर जी उस सदगुरु का आभारी होता है और इधर में ये जीव भी उस सदगुरु का आभारी होता है जो इन दोनों को मिलवाता है। नदी वंदनीय नहीं है, सेतु वंदनीय है जो कभी न मिलने वाले किनारों को मिला देता है। कौन वंदनीय, नदी या वो सेतु जो कभी न मिलने वाले किनारों को मिलाता है? इसलिए मेरे प्यारे, ईश्वर और जीव के बीच में जो गुरुजन हैं वो सेतु का काम करते हैं, जो माया में बिछड़ जाते हैं उनको एक दूसरे ईश्वर से मिलवाने का काम गुरु करते हैं। इसलिए दोनों को आभार है उनका, और हमें भी बार बार हम अपने सद्गुरुदेव, पुराण ग्रंथ, संत महात्मा, ये सब हमें हमारी पहचान कराते हैं। लेकिन कई मूर्ख ऐसे हैं जो पहचान करना ही नहीं चाहते। दो मिनट सोचो, किसके हो तुम? इन चोरों के जिन्होंने तुम्हें झूठा नाम दे दिया, जिन्होंने तुम्हें कैसे काम में लगा दिया, बोले मेरा पेट बुढ़ापे में भर सको ऐसा काम करो, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया है, किसी को वकील बना दिया, किसी को मैकेनिक बना दिया। ये कौन है? बोले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है ये। लेकिन क्या कोई चाहता है कि ये भक्त बन जाए? बोलिए, क्यों नहीं चाहते? बोले अगर ये उस लाइन में चला गया तो इसे अपनी पहचान हो जाएगी, और अगर इसे अपनी पहचान हो गई, इसे अपना सत्य पता चल गया, तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। और इसलिए मेरे प्यारे, जब दुनिया तुमसे तुम्हारी वास्तविकता छिपाने लगे, तो मेरी व्यासपीठ कहती है अपनी पहचान करनी हो तो एक बार भागवत श्रवण कर लो, तुम्हारी पहचान प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी पहचान प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात न मानो, आई एम हैप्पी, लेकिन कभी कभी तो अपने दिल के लिए मानो ना, दिल की बात मानना कभी, और कभी पांच मिनट बैठो और फिर पहचान करना कि तुम्हें पैदा किसने किया है। तो ये भागवत तुम्हें तुम्हारी पहचान कराती है। तो हम और आप यहां बैठकर, अच्छा बोलो, कौन कौन चाहता है कि हमारी पहचान हमारे ठाकुर से हो जाए? ऐवें याद उठा रहे हो कि चाहते हो? हैं? सच्ची बोलना दिल से, चाहते हो ना? नीचे करो। अपने आप को टाइम देना प्रारंभ करो। अगर कहीं कथा न होती हो तो अपने आप ही स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। रामायण अच्छी लगे तो रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ना चाहते हो भागवत पढ़ो, अगर कुछ न पढ़ सको तो गीता पढ़ो, गीता का अर्थ ही पढ़ो।
अपनी पहचान जरूर पहचानो, और जो जो मेरे ठाकुर से पहचान अपनी कराना चाहते हैं, वैसे तो आप ऑलरेडी हैं ही पहचाने हुए, लेकिन फिर भी हम और आप सभी नियम के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, और नियम के साथ जो नियम मैं अभी बताऊंगा कथा के पूर्ण होने के समय, उन नियमों के साथ अगर आप कथा सुनेंगे तो बार बार जो मांगते हो वो तो मिला ही है आपको। पिछली बार भी आया था तो बहुत लोगों ने कहा महाराज जी हमें ये मिला, हमें ये मिला, बहुत कुछ मिला, और भागवत तो देती ही है। इस बार भी जो मांगोगे वही मिलेगा, और इस बार अगर पहचान ही चाहते हो तो मैं तो कहूंगा भगवान से इस बार कुछ मत मांगना, एक ही चीज मांगना कि मैं तुझे याद रहूं, शब्दों पे ध्यान चाहूंगा, मैं तुझे याद करूं या न करूं ये बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम उसे भगवान नहीं, तुम उसे याद नहीं करोगे तो क्या वो भगवान नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, वो तब भी रहेगा। और तुम अगर उसे भगवान मान लो तो क्या बड़ा भगवान हो जाएगा? तुम मानो या मत मानो इससे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हां तुम मानो या न मानो इससे तुम्हारे ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा। तो ठाकुर जी से क्या मांगे? बोले ठाकुर जी मैं तुम्हें याद करूं न करूं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे इस लायक बना दो कि आपको मैं हमेशा याद रहूं कि मैं तेरा ही बेटा हूं। आप मुझे कभी न भूलें, और हो सकता है मीरा को कभी नहीं भूले, तुलसी को कभी नहीं भूले, गोपियों को कभी नहीं भूले, इवन जब तक आप यहां बैठे हो उसकी नजरें आप पे भी हैं, मुझ पे भी है, वो मुझे भी देख रहा है, वो आपको भी देख रहा है, और वो निकम्मों को भी देख रहा है जो अभी भी अहमदाबाद में टीवी ऑन करके बैठे हुए हैं, ये उन्हें भी देख रहा है जो चोरी कर रहे हैं जिन्हें पाप लगेगा। अहमदाबाद में भी टीवी ऑन करोगे तो पाप नहीं लगेगा, यहां आना पड़ेगा, वो उन्हीं को देखेगा, प्यार उन्हीं पे करेगा, करुणा उन्हीं पे बरसाएगा। तो वो हमें देख सके, हम उसे हमेशा याद रहें ये बड़ी बात होगी माय डियर। आप हमेशा सत्कर्म करते रहो जैसे कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो, मेरा ठाकुर आपको याद करेगा। भागवत भय मुक्त करती है, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। उससे भी पहले व्यक्ति रोज मरता है, भय के साथ रोज मरता है। एक सुना है ना आपने, डर गया वो, जो डर गया वो, सच्ची बताओ तुमको डर नहीं लगता? लगता है ना, बच्चों को डर है कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, बड़ों को डर है कहीं मैं बिजनेस में फेल ना हो जाऊं, बूढ़ों को डर है कहीं मैं मरने से पहले रोगी ना हो जाऊं, सबको डर है। और ये डर तब तक रहेगा जब तक तुम अपनी पहचान नकली बनाए रखोगे। जब तक तुम्हारी पहचान नकली रहेगी तब तक तुम डर के रोज मरोगे, एवरीडे। और तब तुम्हारा डर बहुत दूर चला जाएगा। कब? जब तुम्हारी असली पहचान हो जाएगी, वास्तविक पहचान। और वास्तविक पहचान क्या है? बोले नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहक पावक। जो तुम हो, वास्तविक जो तुम हो, जो तुम्हारी आत्मा है, वो अग्नि में नहीं जलती, पानी में नहीं डूबती, शस्त्र से नहीं कटती। क्यों? बोले जैसे चिदानंद परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा जो हमेशा रहता है, वैसे उस परमात्मा की औलाद भी हमेशा रहती है। मानोगे कि नहीं? गधे का बच्चा गधा ही होगा, हां या ना?
कई पिताजी अपने बच्चे को डांटते हुए कहते ना, तू गधे का बच्चा है, तू गधे का बच्चा है। बच्चा भी मुस्कुराता कहता है, डैडी आप भूल रहे हैं, मैं आप ही का बच्चा हूं। तू गधे का बच्चा है, बोले हाँ डैडी, यस डैडी मैं आप ही का बच्चा हूं। बच्चे ने बिना कहे कितनी बड़ी बात कह दी। डैडी ने तो कहना पड़ा डैडी को, आप गधे के बच्चे हो, मतलब तुम गधे हो। और बच्चे ने बिना कहे कह दिया, हाँ मैं आप ही का हूं। तो गधे का बच्चा गधाई होगा, बंदर का बच्चा बंदरी होगा, और सच्चिदानंद का बच्चा सच्चिदानंद ही होगा। लेकिन चोरों के साथ रह के मर गए तो, बोले मर जाओगे, एक बार नहीं हजार बार मरोगे। और उसके होके मरे तो, बोले मरोगे नहीं, फिर तो अमर हो जाओगे। मीरा कहां मरी है, ध्रुव कहां मरा है, प्रहलाद कहां मरा है, तुलसी कहां मरा है, सूरा कहां मरा है, जिसने आंखों से दुनिया नहीं देखी आज उसे पूरी दुनिया गा रही है, पूरी दुनिया गा रही है। अब की बार मोई पार उतारो, नहीं प्रण जात टरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। सूरदास बाबा क्या पहचान है, आंखों से नहीं दिखता, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन लिख दिया क्या, बोले मैं आप ही का हूं। और आंख वाले क्या लिखते हैं, इस बात को बोलते हैं आंख वाले, बोले आंख वाले क्या कहते हैं, मेरे प्यारे हो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, तुम किसकी औलाद हो। और ये भागवत तुम्हारी पहचान कराती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं, तो आपको ये भागवत आपकी पहचान भय मुक्त करेगी। ये भागवत का फल क्या है, ये भागवत का फल है, ये लिखा है किसी संत ने, बहुत अच्छा लिखा है ये भागवत। ये भागवत हरि रूप, इसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे, ममता घटे विपता मिटे, और संपदा घर में भरे, कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन टरे। ये भागवत हरि रूप, इसका जो सदा चिंतन करे, भक्ति ज्ञान वैराग्य से हो पूर्ण, उससे यम डरे। वो नहीं डरता, उससे लोग डरते हैं, फिर वो भयमुक्त हो जाता है। और ये भागवती ऐसा कर सकती है, अगर इससे प्रेम हो जाए तो। ये भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है कि सीधे सीधे, आपने कभी शादी देखी है, देखिए शादी, आजकल लोग शादी नहीं देखते, आजकल तो लोग वो टेबल देखते हैं जहां पे वो हाँ या ना, वो उधर देखते, वो मंडप किधर है, कौन सा, वो जिधर लंगर लगा है, लिफाफा पकड़ा के लंगर दे के जाते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं शादी कब हुई है। एक फोटो खींचा ना, फोटा आशीर्वाद देते हुए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रखो, कौन दिल से आशीर्वाद देता होगा, कोई देता है। दूल्हा तनिक लेट हो जाए ना तो उसे सौ पता नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। वो सबसे पहले टेबल देखते हैं, वो सब किधर की, कितने आइटम है, बोले साहब 500 रुपये पर प्लेट है, तो गया भर गए अपने चाचा है ना, चाचा चाचा हाँ, बोले 5,000 रुपये प्लेट। अच्छा, बेचारे ने इतने मन से 500 रुपये प्लेट रखा, वो 5,000 की सुना के उसका मनोबल डाउन करते, भाई कुछ नहीं, तू ऊपर से कह दिया, का धनिया ज्यादा डाल दिया, स्मेल आ रहा है, ले आशीर्वाद कोई नहीं देता, शादी कोई नहीं देखता। शादी के वक्त में, शादी की बात क्योंकि ध्यान से सुनो, शादी के वक्त माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटी का हाथ, जोर से बोलो, अपनी बेटी का हाथ उसके होने वाले हस्बैंड के हाथ में सौंपते हैं, जिसको कन्यादान कहते हैं।
है ना, वेद मंत्रों के साथ। और उसके बाद जीवन पर्यंत जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी होती है पति की। हां जी कि ना जी? हां जी। किसकी जिम्मेदारी है? पति देव की, मिस्टर हस्बैंड की होती है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जीवन भर पति संभालता है फिर वो जिम्मेदारी। ठीक वैसे ही अगर कोई मन क्रम वचन से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो हमारी व्यास पीठ आपका हाथ ठाकुर जी के चरणों में पकड़ा देगा और कहेगी हमारी व्यास पीठ की अब आपकी जिम्मेदारी है सरकार। किसकी जिम्मेदारी है? बोले आपकी जिम्मेदारी है। हमने जो करना था कर दिया, हमने जो कहना था कह दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। और निश्चित मानिए मेरे प्यारे हो, जो दिल से श्रीमद् भागवत कथा सुने मेरा ठाकुर उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, वो मना नहीं करता। He will ready when you come to him। जब आप उसके पास जाओगे वो तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को मनाना होगा। बोलो कौन कौन तैयार है कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी है? कितना प्यारा वजन है, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, है कि नहीं? नहीं है? बहुत से लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे बाबा है। अरे जरा हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले। कैसे नाच के दिखाओ ऐसे, मैं देखूंगा आप नाचो। अब संगीत जरूरी है कि नहीं? अगर भगवान को भक्ति के साथ नाच के गा के रो के रिझाना है तो संगीत जरूरी है कि नहीं? भजन जरूरी है कि नहीं? चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे ठाकुर ये जीवन आप ही के हवाले है, कह दो एक बार दिल से और फिर देखना मेरे ठाकुर मेरे गोविंद श्री सर्वेश्वर भगवान तुम्हारी सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन ये काम कौन करेगी? ये भागवत महापुराण नहीं करेगी, तुम्हारा हाथ कर, एक तरीके से कहें तुम्हारा दान, तुम्हारे जीवन का दान, तुम्हारा आत्म कल्याण का दान। ठाकुर की तरफ से अगर आत्म कल्याण का दान मिलेगा तो पहले तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषि विराजमान थे। नैमिषेषुतमासीनम अभिमाग महामतिम, 88,000 सोनकादिक ऋषि, संतों के मध्य में चर्चा जन कल्याण की है। कहा उन्होंने कल्याण कैसे होगा कलयुग के लोगों का? ये कलयुग के लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं, सदविचार अपने मतलब से ही यूज करते हैं उनको, है? जब इनका मतलब से दो तो धर्मात्मा बन जाते हैं, और जब चोरी करने से मतलब से दो तो आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए धर्मी बन जाते हैं, फिर धर्मात्मा बन जाते हैं मंदिर में जाके, हाँ या ना? तुम अपनी जुबान से अगर किसी ब्राह्मण का अपमान करते हो तो तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते, तुम अधर्मी हो। तुम अपनी आंखों से अगर अधर्म होते हुए देख रहे हो तो तुम कैसे कहोगे कि तुम धर्मात्मा हो? व्यक्ति तीन तरीके से धर्मात्मा और अधर्मी होता है, मन से, वचन से और कर्म से। अगर तुमने वचन कटु बोला तो तुम धर्मी और अधर्मी दोनों बन सकते हो। अधर्मी बनोगे कटु वचन बोलने पर, सच बोलने पर धर्मात्मा।
मन में अगर तुम्हारे में अगर दूषित विचार आ गए तो तुम अधर्मी, सत्कर्म आ गए तो धर्मात्मा। कर्म में ये चीजें कर्म में भी लागू है। तो हम लोग कलयुग के लोगों को मैं देखता हूं बड़े स्टाइलिश धर्मात्मा है कलयुग में, समटाइम रिलीजियस समटाइम डिफरेंट वे, कभी धर्मात्मा बन जाते कभी अधर्मी बन जाते। हां जी कि ना जी बोलो, जवाब दीजिए जी, आप सब बोलिए जी। हां जी, क्या बोलना पड़ेगा जी? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। धर्मात्मा वही प्राण जाए वरु वचन न जाए, चाहे मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मेरे धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। और आज इस देश में धर्म की चिंता बहुत कम लोगों को है, सिर्फ अपने परिवार की चिंता सबको है। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा धर्म ही सुरक्षित नहीं बचेगा तो परिवार बचेगा फिर? जवाब दीजिए, जब धर्म ही नहीं बचा तो परिवार भी नहीं बचेगा। परिवार को बचाने से ज्यादा जरूरी है पहले धर्म बचाओ, और जब धर्म बच जाएगा तो तुम्हारा परिवार अपने आप बच जाएगा। तुम धर्म को बचाओ, धर्म तुम्हारा परिवार बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषि विराजमान थे, अनेकों ऋषियों के मध्य सत्संग प्रारंभ हुआ। सूत जी महाराज पधारे और सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया, हे मुनि श्रेष्ठ कृपा करके बताइए नैमिषे सूतमासी न। जब वहां पर यह सत्संग चल रहा था तो सूत जी महाराज के आने पर सोनकादिक ऋषियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कथा सारम मम कर्ण रसायन, पूरी कथा मत सुनाना, कथा का सार सुनाओ। क्यों? कि कलयुग के लोगों पे टाइम नहीं है। कथा का सार क्या है? अल्प समय में जो कथा का सार हो जाए और जिससे कलयुग के जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ। बोले श्रीमद् भागवत प्रारंभ करें, इसका महत्व क्या है? ऐसे भागवत को सुनने से क्या मिलता है? अनेकों पुराणों में देखिए, एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि भागवत के महत्व की चर्चा अन्यत्र पुराणों में भी मिलती है। भाई आप अपनी प्रशंसा खुद करें तो बात ढीली पड़ेगी, कमजोर है, बोले अपनी मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। और अन्यत्र पुराणों में पढ़े जाए तो, और कोई दूसरा कर दे आपकी बड़ाई तो, बोले अच्छा होगा। क्यों? बोले सब लोग इसकी बड़ाई करते हैं इसलिए अच्छा होगा। बोले हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन भागवत में ही अपनी बड़ाई होती रहेगी तो फिर बात ठीक नहीं लगेगी। कहीं और भी है? बोले हाँ है। कहाँ? बोले और पुराणों में भी भागवत के महात्म की चर्चा है। बोल तो कहते तो ही है कि व्यास जी की अंतिम कृति है भागवत, इसके बाद तो व्यास जी ने कुछ लिखा ही नहीं। और जब इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं जी, अंतिम है, तो फिर इसकी चर्चा पूर्व में कैसे हो गई? बोले देखिए, वेद व्यास जी महाराज ने इसका विस्तार किया है। ये भागवत तो पुरातन है, जैसे भगवान है वैसे ही भागवत। ये वेद व्यास जी महाराज को चतुर श्लोक की श्रीमद भागवत मिली थी, जिसको उन्होंने 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, बड़ा कर दिया। और इससे पूर्व पुराणों में भी भागवत की चर्चा है, महात्म की चर्चा है। भागवत सुनने से क्या मिलता है? बोले सुनो, एक समय की बात है, देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए अनेकों अनेक तीर्थों में जा रहे थे। उसी समय श्रीधाम वृंदावन में देवऋषि नारद पहुंचे, और जब वृंदावन में पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने एक दृश्य देखा, एक नवयुवान स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही है। सोचा दुखी होगी, और संसार में दुखी कौन नहीं है। मैं आप सबसे एक और बात कह दूं, आजकल लोगों में चलन चल रहा है कि अपना दुख अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। सब चीज उपलब्ध भी है इंटरनेट माध्यम से, सब लोग करते भी हैं, लेकिन मैं आपके से एक प्रार्थना जरूर करूंगा, अगर अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाना, मजाक का पात्र नहीं बनाना, तो अपने दिल के गम दुनिया में किसी को बोलना मत, किसी को मत बोलना। क्यों? बोले ये दुनिया बड़ी विचित्र है,
जब तक तुम इसे सुनाते रहते हो तब तक तुम्हारे हमदर्द हैं, और जब तुम्हारा सुनने से मना कर दे ना, जब तुम सुनने से मना कर दो या फिर कुछ समय ये न दे तुम्हें, तो उस समय ये दुनिया वाले जब तुम दुख सुनाकर चले जाते हो तो ये दुख आगे शेयर कर देते हैं, और उससे दुख घटता नहीं है, उससे दुख और बढ़ जाता है। हमारे संतों ने पूर्वाद में कहा है, तुलसी पर घर जाए के दुख नहीं कहिए रोय, दुख नहीं बांटे आपनो जगत हसाई। अपना दुख किसी को बोलो मत, क्यों? बोले यहां दुख बांटने वाले नहीं है, यहां तो सब तुम्हारा हंसी करने वाले हैं, तुम्हारा दुख बढ़ाने वाले हैं, कोई घटाने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं। गैरों को तो पता ही क्या है कि तुम्हें दर्द किस वजह से मिलेगा, तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे अपने जानते हैं कि नहीं? पड़ोसियों को थोड़ी पता होगा तुम्हारी कमजोरी क्या है, जो तुम्हें जिसको तुम अपना कहते हो वही जानता है कि तुम्हारी कमी क्या है, और जिसको मालूम है कि तुम्हारी कमी क्या है वो तुम्हें दर्द देगा। और तो अपना दुख कभी किसी को मत सुनाओ। बोले किसी को तो सुनाए, कहने से दिल हल्का होता है, हैं कहना है। दो रास्ते तुम्हारे पास, कौन से? पहला दुख अगर रोने का मन करे तो अपने सदगुरु के चरणों में जाके रोना। जैसे ही सदगुरु के अपना दुख उनको सुनाओगे, सदगुरु की कृपा हुई तो तुझे दोबारा रोने का मौका नहीं मिलेगा, तेरा सब संकट मिट जाएगा। और दूसरा, एज ए सिक्योरिटी पर्पस, आजकल गुरुओं पे बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैं हमेशा कहता हूं कभी अकेले मत जाओ। इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी समय उचित नहीं है। वैसे मुझे किसी की चिंता नहीं, अपनी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब तक तो आप मुझे पहचान ही चुके होंगे कि अब तो नहीं पहचाने? अभी तक क्या पहचानते हो? क्या पहचाने? जो कहना है वो सच कहना है। और डर के क्यों जिए? मरना तो सभी को है, राजे महाराजे गरीब अमीर फकीर सबको मरना है। पर फिर भी उचित समय पर उचित बातें की जाएं तो अच्छी बात होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बड़ा आसान है किसी पर लालचन लगाना, गुरु हो या शिष्य, दोनों को ही अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अगर गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो शिष्य की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु का लक्ष्य है अपने धर्म का प्रचार करना, रक्षा करना, तो शिष्य की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, दोनों की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए क्या करें? बोले मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन करूंगा जो भारतवर्ष की देवियां हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अकेले न जाया करें कहीं ऐसी जगह पे। तो बोले अपने बुजुर्गों के साथ या अपने भाई के साथ या अपने माँ के साथ या कोई भी एक ऐसा हो, अगर आपका मन भी करे दुख सुनाने का, तो जिसके सामने आप अपने गुरु को दुख सुना सकें उसके साथ आप लोग जाएं। क्योंकि हम लोग भी तो इनसिक्योर हो गए आजकल, नहीं? हमें भी तो चिंता सताने लगी है कि न जाने कब कल कौन आ जाए और कह दे, फिर नहीं सुनने आओगे आप? कथा ये मुझे बाधा है, मुझे मालूम है। जितने प्यार से आज आप मुंडी हिला रहे हो ना, कल उतने ही प्यार से आप कहोगे ये बात करती थी, देख लो उन कर लो बात, अब बताओ केम छो? नहीं कह पाओगे आनंद मां। तो अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो माय डियर कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज इस आस्था चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी हिम्मत कह रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं ये कहने की कि आप भी न सिर्फ मेरे पास, किसी के भी पास अकेले न जाएं।
अगर आप अपने आप को चाहते हैं तो आप अपने किसी के भी साथ, माँ बहन बेटियां जो जाएं, तो अपने किसी भैया भैये पति पुत्र माँ किसी को भी अपने साथ ले जाएं। इससे आप भी, आपके गुरुजन भी और धर्म भी तीनों सुरक्षित रहेंगे, तीनों सुरक्षित रहेंगे। जितनी सुरक्षा आपकी है उतनी सुरक्षा आपके गुरुजी की भी होनी चाहिए। ये भी जिम्मेदारी आपकी है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आपके धर्म की रक्षा की है। अब पता है कितने लोग अधर्मी बन गए होंगे इन संदेशों को सुन सुन के। कितने लोग हमसे आके पूछते हम पे कुछ क्या करें, बस इतना ही कहेंगे तुम धर्म की पथ पर, धर्म से जुड़ा हुआ इंसान गलत हो सकता है लेकिन धर्म कभी गलत नहीं होता। तुम अपने दायरे में रह के धर्म को आगे बढ़ाओ तो तुम भी सफल होगे और तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। तो मेरे प्यारे हो, दुखी जब हो तो अपने गुरु के चरणों में रहो अथवा गोविंद के चरणों में रहो। कहते ना, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये दुनिया मुझे सताती है, भय और त्रास दिखाती है, भय और ये त्रास दिखाती है, भव बंधन मुक्त तो हो ही रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। नारद जी ने सोचा ये दुखी है तो इसके दुख का कारण जानना चाहिए, लेकिन स्त्री है इसलिए नारद जी आगे जाने लगे तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गैरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ठहरिए महाराज ठहरिए। मैंने सुना है अगर जीव दुखी हो और दुखी जीव को अगर संत दर्शन हो जाए तो उसके जीवन भर के पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, कष्ट से मुक्त हो जाता है, तो कृपा करके मेरी ओर भी देखिए। कौन हैं आप? बोले हम भक्ति रितिम ख्याता इमोर मेर तनयोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो उत्पन्नम द्रवणम देश वृद्धिम कर्नाटके गत काचिन काचिन महाराष्ट्र गुर्जरो जिनता गत। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हैं, दोनों अचेत पड़े हैं, इन्हीं का दुख है मुझे। गुजरात में जाकर मैं बड़ी हो गई। गुजरात में जब भक्ति आई ना तो बड़ी हो गई, मतलब उम्र दराज। वैसे भाई मानो या मत मानो, यहाँ हमारा ठाकुर जी भी आके बड़ा हो गया था, द्वारकाधीश बन गए थे ना, द्वारकाधीश बने थे महाराज। तुम्हारो द्वारकानाथ छे और हमारो कन्हैया छे, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल छे, साडो लड्डू गोपाल छे। कन्हैया की बोली बड़ी सरस छे ना, रूप बड़ो सरस छे, बड़ो सरस छे, बड़ो सरस छे, क्या बात। भक्तियां बड़ी हो गई लेकिन अभी लगती है गुजरात में भक्ति जवान हो रही है। क्यों? बोले यहां पर बच्चे लोग भी अब आना शुरू कर दिए हैं। और हे गुजरात के लोग, अगर चाहते हो कि भक्ति यहां पर जवान हो
तो उसके लिए जरूरी है ये पहली बुझानी होगी, ये पहली बंद करनी होगी कि कथा सुनना सिर्फ बुजुर्गों का काम है। अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि कथा सुनना सिर्फ बुजुर्गों का काम नहीं, कथा सुनना हम नौजवानों का भी काम है। कौन कहता है कथा सुनना बुजुर्गों का काम? गलत बात। हाँ और क्या, तो अब आना शुरू हुआ है, लेकिन जो आते हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि न सिर्फ आप अकेले आओ, जो आपके सर्कल में जिन्होंने आपको जो कोशिश करते मदिरा पिलाने की, उन्हें तुम आदत बदल के उनकी आदत सुधरवा दो और उनकी आदत बना दो श्रीमद् भागवत पान कराने की। जो मदिरालय में ले जाते हैं उन्हें कथा पंडाल में लेके आ जाओ, उन्हें मंदिर लेके चले जाओ, उन्हें तीर्थ ले, उनकी आदत बदलवा दो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी भक्ति जवान होगी, तभी सनातन धर्म जवान होगा। ये सिर्फ बुजुर्गों का विषय नहीं है, ये हम सब का विषय है। अब बुजुर्गों का तो भाई देखो, जब तक जी करेगा, जब तक बैठने में सुविधा होगी तब तक तो बैठेंगे, और जब देखेंगे नीचे नहीं बैठा जा रहा तो कथा चाहे पूरी हो चाहे अधूरी, वो तो बोलो क्या होगा। मारी बहू याद करे जिन मरे हमें घर जाएंगे तो तब तक चाय तैयार मिलेगी ना, बापू माफ करना गई। और जवान हो तो उसे कितना भी बैठा लो, उसे कितना भी सुना लो, उसे कितना भी जाप करवा लो, वो कर सकता है। क्यों? जवान कभी थकता नहीं है, जवान कभी थकता नहीं है। बुढ़ापे में ना बैठा जाए, ना ज्यादा देर, ना ज्यादा खा भी नहीं सकते जा बुढ़ापे में। इसलिए भक्ति करनी हो तो जवानी में करो मेरे प्यारे। और जितने लोग आज यहाँ आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये कार्य को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ कथाकार और संत महात्मा ही धर्म का प्रचार करेंगे, गलत बात है। घर घर में धर्म की जागृति होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने सुना हो तो, मुसलमानों की एकमात्र कंट्री हमारे मुसलमान भाइयों की इंडोनेशिया, जहां घर घर में रामायण पढ़ाई जाती है और तुम्हारे घर घर में उपन्यास पढ़ाए जाते हैं। हैं? इंडोनेशिया, हमारे मुसलमान भाई जानते हैं कि रामायण कितनी चरित्रवान उपदेश देती है, इसलिए वहां रामायण पढ़ाई जाती है। और हमारे यहां चरित्रहीन बनाने की कॉमिक्स भी जो बच्चे छोटी छोटी पढ़ते हैं, वो भी चरित्रहीन बनाने वाली, उसके जिम्मेदार कौन है? ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? हमारे देश में पर्सनल व्यक्ति पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, राम और कृष्ण नहीं पढ़ाए जाते स्कूल और कॉलेजों में, गीता नहीं, अमेरिका में गीता पढ़ाना शुरू कर दिया है कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में, लेकिन भारत में नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? इन्हें शर्म आती है। गीता किसी एक समुदाय का ग्रंथ नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुधैव कुटुंबकम, वो इतना बड़ा संदेश देने वाली गीता, उसे हिंदुस्तान में पढ़ाया नहीं जाता। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या? जिस गांधी बापू को हम अपना बापू राष्ट्रपिता कहते हैं, वो गांधी बापू कहते हैं कि जब जब मैं अटका मुझे गीता ने मदद दी। और वही गांधी बापू को भूले बैठे हम लोग, यही अमरावती, ये क्या साबरमती, अमरावती में कथा कर गया ना इसलिए याद है मुझे। हाँ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहां है गांधी बापू याद? किसको याद है? झूठ है सब। इस देश में सब भूल बैठे गांधी बापू को। बापू को चिंता थी अपने धर्म की, बापू को चिंता थी भारत के नौजवानों की, भारत के नौजवानों के चरित्र की चिंता थी बापू को। किसको है? किसी को चिंता नहीं है। अब तो पहले चरित्र सुधारने की कोशिशें की जाती थी, अब चरित्र बिगाड़ने की कोशिशें की जाती है। और हे भारत के औलाद वालों, सबसे निवेदन करूंगा, अगर अपने बच्चों का चरित्र बनाना चाहते हो तो उस बच्चे को रामायण पढ़ाना शुरू करो, रामायण पढ़ाना शुरू करो। हे उमा कहो में अनुभव अपना, सब सपना
बैठे जिनकी औलाद है हाथ उठाओ। नहीं नहीं बच्चे भी बैठे ना, इसलिए पूछ रहा हूं भाई, बच्चे भी तो बैठे जिनकी शादी नहीं हुई है। ये उतार के बैठो। हाँ क्या समझा? है ना औलाद वाले है ना सब। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे चरित्रहीन हो? चरित्रहीन हो? ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया हमने, हाथ उठा दिया। सुन तो लो पहले मैंने क्या कहा है, चरित्रहीन हो, चरित्रवान नहीं। कौन कौन चाहता है हमारे बच्चे चरित्रहीन हो? कोई नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं, एक व्यक्ति नहीं चाहता। कौन कौन चाहता है चरित्रवान हो? हाथ नीचे करो। आपने कोशिशें किसकी की, बच्चों को चरित्रवान बनाने की कि चरित्रहीन बनाने की? प्रश्न आपसे है। जितने भी सीनियर लोग यहां बैठे सब दोष देते अपने बच्चों को। बच्चे गुनहगार नहीं, तुम गुनहगार हो। तुमने अपने धर्म का सम्मान करना बंद कर दिया, तुम ही हो वो गुनहगार जिनकी वजह से आज तुम्हारे बच्चे चरित्रहीन हो गए। अगर तुम रामायण पढ़ते तो तुम्हारे बच्चे भी चाहे एक सुंदर कांड का पाठ ही करते, लेकिन करते तुम तो हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं करते। तुम्हारे द्वार पर अब अतिथि नहीं आते, जुआरी आते हैं। तुम्हारे द्वार पर साधु नहीं आते, शराबी आते हैं। तुम्हारे द्वार पर भगवान के भक्त नहीं आते, इस समाज के सबसे बड़े देशद्रोही आते हैं। कैसे सुधरेंगे हमारे बच्चे? फिर बच्चों को दोष देते हो? बच्चे गुनहगार नहीं, तुम गुनहगार हो। और मेरी बात कड़वी लगेगी, मुझे मालूम है आपको कड़वी लगे ना, तो कड़वी लगाना इसीलिए बोल रहा हूं। क्यों? तेरे बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में किसी और का नहीं, तेरा ही रोल है। पैसा दे दिया ज्यादा, बच्चे बिगड़ गए। टाइम नहीं दिया, तेरे बच्चे बिगड़ गए। संस्कार नहीं दिया, तेरे बच्चे बिगड़ गए। कभी हाथ पकड़ के सत्संग में लेके नहीं गया, तेरे बच्चे बिगड़ गए। और ना सिर्फ बच्चे बिगड़े, तेरी तकदीर बिगड़ गई, तेरी किस्मत बिगड़ गई। तूने मेहनत से कमाया, उसने बर्बाद कर दिया। मेरे को कई लोग कहते ठाकुर जी कथा कम सुनाते हैं, ये समाज की बातें जरूर। अरे कथा इतनी होती है, सुन लिया करना। जरूरी मेरे से ही कथा सुननी है? आती नहीं मुझे, मुझे जो आता है वो सुन ले। और जिसको कथा आती हो अगली बार उसे बुला लियो। क्यों राजकुमार जी? क्यों जी प्रभु? ये जितने भी बैठे हमारे, अगली बार किसी और को बुला लेने। मैंने कोई ठेका ले रखा है कि मैं ही आऊंगा? मुझे जो आता है वही सुनाऊंगा। तुम्हारी मर्जी है तो सुनना, हो तो भैया कोई नहीं बुलाएगा तो अपने घर में कथा करेंगे। अब तो शांति सेवा धाम बनने जा रहा है, 15 में उद्घाटन होगा, तो वहीं बैठ के अपने आप को ही सुनाते रहेंगे। जरूरी तो नहीं कि तुम ही सुनाऊं, कभी कभी अपने आप को भी सुनाना चाहिए ना। लेकिन मैं सच कहता हूं, मुझे कथा सुनाने से ज्यादा इंटरेस्ट अपने बच्चों को भगवान की शरणागति दिलाने में है, चरित्रवान बनाने में है। जो जिम्मेदारी माँ बाप नहीं निभा पा रहे हैं, मैं उनका माँ बनकर, उनका शुभ चिंतक बनकर, उनका बहुत बड़ा हितैषी बनकर, भारत के बच्चों के चरित्रवान बनने की एक मुहिम चला रहा हूं। दे सकते हो मेरा साथ तो बन जाओ अच्छे माँ बाप।
और सिखाओ अपने बच्चों को हाउ टू लिव लाइफ, कैसे जीना है तुम्हें, सिखाओ अपने बच्चों को। भागवत भी यही सत्कर्म सिखाती है, जिए तो कैसे जीना है ये भागवत हमें बताती है, रामायण हमें सिखाती है। तो हमारे मुसलमान भाई जब रामायण पढ़ सकते हैं, पढ़ते ही हैं, इंडोनेशिया में हर एक घर में रामायण पढ़ाई जाती है, और मैं तो उनका अभिवादन करूंगा, आदर करूंगा कि उन्होंने सही चीज को चुना है। हम लोग बदकिस्मत हैं कि हमने छोड़ दिया उसे, ये हमारा पाप है। पानी में मीन प्यासी वाली बात हो रही है, पानी में मीन प्यासी है, मुझे सुन सुन आवे यहां से। तो कहां यहां भक्ति जवान हो सकती है, कब, जब नौजवान धर्म करना प्रारंभ कर दे, और अब वो शायद इस देश में दोबारा प्रारंभ होने जा रहा है। अब नौजवान यहां कथा कराने वाले भी नौजवान हैं, कथा सुनने वाले भी नौजवान हैं, अगर यहां कोई बूढ़ा है तो सिर्फ कथा कहने वाला बूढ़ा है, बाकी के सब जवान हैं। मेरी तो उम्र हो ली, अब बुढ़ापा आ लिया है ना, लेकिन आप तो जवान हैं ना, आप बने, आप आगे बढ़ाएं अपने धर्म को, मैं आपके साथ हूं। बोले गुजरात में गई तो जरा मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में गई और वापस जब वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई। जवान क्यों हो गई वृंदावन में? बोले मैं वृंदावन में इसलिए जवान हो गई क्योंकि वृंदावन में यहां पर कृष्ण को प्रेम से पूजा जाता है। मां बाप के प्रति व्यक्ति दायरे में रहता है ना, भाई और बहन के रिश्ते में दायरे में रहता है, और रिश्तेदारों के रिश्ते में दायरे में रहता है, लेकिन जब अपने पति पत्नी की बात आती है, प्रेमी प्रेमिका की बात आती है, तो वो दायरा एक अलग हो जाता है। होता है कि नहीं, जवाब दीजिए, अलग होता है ना। वहां प्रेम की वर्षा होती है, वहां अपनत्व की वर्षा होती है, वहां पूर्ण समर्पण की चर्चा होती है। और वृंदावन में कोई बूढ़ो हो चाहे जवान, सब कन्हैया को अपना प्रेमी मानते, एक रिश्ता है, एक अटूट रिलेशन है जो कभी टूटता नहीं है। कोई भैया मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई सखा मानता है, कोई प्रियतम मानता है। एक गोपी ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, एक ब्रज भाषा में ठाकुर जी जा, एक गोपी जा रही दही दूध बेचवे माट गाम, ठाकुर जी बीच में मिल गए, कहे ऐ कहाँ जा रही है? बोले जी दही दूध बेचवे जा रही हूं। बोले दही दूध बाद में बेचवे जाइयो, पहले मारक को दान दे, ये मारक का तुम्हारे बाबा को है? बोले बाबा को नहीं, बेटा को है, ये मारक हमारा है, दान दे। अरे बोले कमाल कर रहे हो, आज तक दान, जिसको आजकल आप टोल टैक्स कहते हैं, नई भाषा में टोल टैक्स, ये देना पड़ता है ना। बोले दे दान दे, मारक को दान दे। अरे बोले कमाल कर रही है, मारक को दान नहीं दे? बोले ना, ये मारक तुम्हारा तोड़, ये बोले मेरो ही है। बोले ठीक है, मारक को दान देंगे, दही खवाएंगे, माखन खवाएंगे, सब कुछ जो कहोगे सो, पर एक बात माननी पड़ेगी आपको हमारी, कहा कि आपको ने बांसुरी बजानी पड़ेगी। बांसुरी क्यों? बोले जब आप बांसुरी बजाओगे ना तो आपको मैं अपना नृत्य दिखाऊंगी, और अपना नृत्य दिखाए के मैं आपको मनावे की कोशिश करूंगी। कहा? बोले मैं आपको अपने नृत्य के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहूंगा। आजकल तो नृत्य करना भी गुनाह हो गया है ना, हो गया ना, नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा ऐसे लोग, कसम से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। याद रखना, भगवान को नाच के रिझाया जा सकता है, रो के रिझाया जा सकता है, गा के रिझाया जा सकता है, जाप करके रिझाया जा सकता है। यहां पर जितने लोग नाचते हैं वो अपना अपना स्टाइल है उनका। संवरिया सवरिया,
संवरिया ऐसी तान सुना, संवरिया ऐसी तान सुना, संवरिया ऐसी तान सुना, संवरिया ऐसी तान सुना। मैं नाचूं तू मुरली बजावे, मैं नाचूं तू मुरली बजावे, मैं नाचूं तू मुरली बजावे, सवरिया 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 ऐसी मुरली बजा, सवरिया ऐसी मुरली बजा, सवरिया ऐसी मुरली बजा, सवरिया ऐसी मुरली बजा। हो मैं नाचूं तू मुरली बजावे, मैं नाचूं तू मुरली बजावे, मैं नाचूं तू मुरली बजावे, कर दे पूरी चा, सवरिया 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 ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा। शिरा रे धार बहे सुमन में, रस की धार बहे सुमन में, अनुपम प्यार रहे 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 सुमन में। तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, ऐसी मस्ती चढ़ा सवरिया 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 ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा। ओ मैं नाचूं तू बंसी बजावे, मैं नाचूं तू बंसी बजावे, मैं नाचूं हो मैं नाचूं, मैं नाचूं तू बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा, सवरिया ऐसी बंसी बजा। शिरा रे मन में सघन कुंजन में, भोली मन सघन कुंजन, भोली मन सघन कुंजन में, भोली मन सघन कुंजन में, ब्रज की चिन्मय दिव्य लतन में, ब्रज की चिन्मय दिव्य लतन में, ब्रज की चिन्मय दिव्य लगन में, रसिकन की पद रज मस्तक पे, ओ ब्रज के रसिकन की, ब्रज की पद रसिकन मस्तक पे,
लगा सवरिया 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 ऐसी बंसी बजा सवरिया ऐसी बंसी बजा सवरिया ऐसी बंसी बजा ओ मैं नाचूं तू बंसी बजावे 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 कर दे पूरी चा सवरिया सवरिया ऐसी बंसी बजाओ सवरिया ऐसी बंसी बजाओ शिरा असुवन का नैनन है मेला असुवन का पल पल थिरक उठे जीवन 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 का हर एक प्राण पुकारे पी पी हर एक प्राण पुकारे पी पी हर एक पल तेरा रूप निहारो हर पल तेरा रूप निहारो हर पल तेरा रूप निहारो हर पल तेरा रूप निहारो सोवत जागत तुम्हें पुकारो सोवत जागत तुम्हें पुकारो हर पल प्यारे तुम्हें निहारो हर पल प्यारे तुम्हें निहारो हरी हरो मन की कटुलाहट हरी हरो मन की कटुलाहट प्रेम की ज्योति जगा सवरिया सवरिया I'm
एक प्राण पुकारे पीपी पुकारे हर एक प्राण हर एक प्राण पुकारे पीपी ऐसे तार हिला संवरिया 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 ऐसे बंसी बजा संवरिया ऐसे बंसी बजा संवरिया ऐसे बंसी बजा दोनों हाथ ऊपर करिए पकड़ ले आलसियों के कैसे पकड़ेंगे जिनके हाथ अभी तक नीचे हैं हो हाथ पकड़ लो प्रियतम मेरा हाथ पकड़ लो प्रियतम मेरा प्रेम की ज्योति जगा बोलेंगे जोर से बोलना पड़ेगा आनंद आया कि नहीं है भूल जाऊं मैं शुद्ध बुद्ध तन की ऐसी लगन लगा संवरिया ऐसी बंसी बजा दिस इज ट्रू लव बिटवीन गोपी एंड कृष्णा ऐसी गोपी बनाती है ये भागवत एक बात बताऊं जब भी कथा सुनते सुनते तुम्हारी आंखों में अश्रु आ जाए कभी भी किसी भी प्रसंग में तो समझना तुम्हारा गोपी भाव उदय हो रहा है कथा सुनते सुनते तुम्हारा जी नाचने का कर उठे तो समझना तुम्हारा गोपी भाव प्रेम जो है वो उदय हो रहा है प्रकट हो रहा है ऐ दुनिया वालों की गोपी कृष्ण की गोपी में बड़ा अंतर है दुनिया की गोपी बनने के लिए हमें कपड़े वस्त्र विचार मॉडर्न सब फेंकना पड़ता है और कृष्ण की गोपी बनने के लिए हमें वस्त्रों की मर्यादाओं की विचारों की हर चीज की परंपरा को निभाते हुए आगे निकलना पड़ता है जहां दुनिया दिखती नहीं दुनिया बनाने वाला दिखता है दुनिया बनाने वाला दिखता है जब दुनिया नहीं दिखती है दुनिया का हाव भाव नहीं दिखता है दुनिया जिसने बनाई है वो दिखता है वो मर्यादित है कृष्ण के सामने जाओगे तो सारी मर्यादाएं वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है तुम नहीं करोगे फिर लेकिन वहां तक जाने के लिए कैसे जाना है वो तुम्हें डिसाइड करना है और भागवत हमें ये रास्ता दर्शन कराती है मार्गदर्शन कराती है वो कहती महाराज मैं जब से वृंदावन में आई हूं तब से जवान हो गई क्योंकि वृंदावन में भक्ति का बोलबाला है और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए क्योंकि इन्हें यहां कोई पूछता ही नहीं बोले चिंता मत करो देवर्षि नारद ने उन दोनों को उचित करने के लिए उपाय किए बहुत उपाय किए अंत में गीता का पाठ भी सुनाया लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली और जब उनकी आंखें नहीं खुली तो सनकादिक ऋषियों ने बताया कि अगर तुम्हें उनको तुम सद गति देना चाहते हो तो उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाओ अगर वो भागवत सुनेंगे
तो उनका कल्याण हो जाएगा। तो जैसा कि कथा के प्रसंग अनुसार, क्योंकि क्रम तो करना पड़ता है पूरा, तो गंगा के तट पर हरिद्वार में कनखल में श्रीमद् भागवत कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषियों ने श्रवण कराई, जिससे ज्ञान वैराग्य को परम गति दिव्य गति प्राप्त हुई। इसी क्रम में भागवत महत्व में एक और प्रसंग आता है, गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र, आत्मदेव की कथा। आत्मदेव कौन है? हम सभी तो आत्मदेव हैं, कोई इसलिए नहीं है, कोई इसलिए दुखी है, पुत्र है तो, लेकिन कुपुत्र है, दुखी सब है, नानक दुखी है सब संसार। इस दुनिया में सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं है। किसी पे धन नहीं है इसलिए दुखी है, किसी पे धन बहुत ज्यादा है तो इनकम टैक्स से दुखी है, नहीं। किसी पे व्यवस्था नहीं है, किसी पे व्यवस्था ज्यादा है, उन्हें व्यवस्थाओं की व्यवस्था संभालने में दुखी है। किसी पे औलाद नहीं है, किसी पे औलाद है वो कपूत है इसलिए दुखी है। ये संसार में सब दुखी है। सुखी कौन है? बोले जब तक आप यहां बैठे हो तब तक सुखी हो। मतलब हम कहते हैं विश्व शांति, ये कथा पंडाल में जब तक आप अगर मर्यादित होके कथा सुने, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक आप कथा पंडाल में बैठे रहते हो तब तक आपके जीवन में शांति रहती है। और अगर जीवन भर शांति चाहते हो तो यहीं की परंपरा को, यहीं के शब्दों को, यहीं के मार्ग को, अगर यहां जो मार्गदर्शन कराया जाता है उसे जीवन में ले जाओ, तो मैं कहता हूं तेरे जीवन में भी कभी अशांति नहीं आएगी। बहुत से लोग कहते हैं ठाकुर जी आप बातें करते हो, भागवत के माध्यम से कोई विश्व शांति हो सकती है? यू ट्राई करके तो देखो कुछ, यू ट्राई टू समथिंग माई डियर, कुछ तो करो, शांति मिलती है। अगर नियम के साथ आप कथा सुने तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इतनी शांति आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी जितनी शांति कथा पंडाल मिलेगी आपको। नियम सुन लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर शयन करना, एक समय भोजन करना, कटु किसी से मत बोलना, कथा शुरू हो उससे पहले आना, कथा में आरती हो जाए तब जाना, जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, शांति तो अपने आप मिल जाएगी आपको अपने आप। अब बहुत से लोग तो यहां आकर भी झगड़ना शुरू हो जाए, थोड़ा खिसक 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 के चक्कर में लड़ाई होती है, शांति अपनी तो भंग करते हैं औरों की भी भंग कर देते हैं। भाई आयोजकों ने जो व्यवस्था की है उसके मुताबिक आप आकर बैठ जाओ ना चुपचाप, मतलब क्या जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, खिसक खिसक क्यों, जहां व्यवस्था मिले वहां बैठ जाओ नियम के साथ। और जब तक कथा सुनो, एक और बात बता दूं हर एक श्रोता जो यहां वहां कहीं भी, अपने जानकारों के पास मत बैठा करो जिनको आप जानते हो। अगर कथा सुनने का मन है तो आप वहां बैठो जहां आप किसी को नहीं जानते हो। क्यों? जिसको नहीं जानते हो तो आप बात नहीं करोगे, और अगर किसी को जानते हो तो आप पूरी कथा पर बतियाते रहोगे, हां जी बापू ये रह गया, बापू ये कर ले, कथा छूट जाएगी। केम छो कथा समझ में आवे छो कि नहीं आवे छो? मने तो समझ में आवे नहीं बापू के बोले छे, तमे समझ में आवे छो? बोले हां मजे तो आनंद आवे छे, मारो आनंद आवे छे, ले एक को आनंद आ रहा है को नहीं तो क्यों? क्योंकि जब आप एक दूसरे के बगल में बैठोगे तो बात करोगे, कथा छूटेगी, मिस होगी, आपका भी आनंद खराब होगा, दूसरे का भी आनंद खराब। अगर पूरे नियम से आप कथा सुनोगे, मेरा वायदा माय डियर, शांति मिलेगी। और यहां से लेके चला गया तो जीवन भर शांति मिलेगी, जीवन भर शांति मिलेगी। प्रॉब्लम ही वहां है, हम अपने धर्म को तो जान नहीं पाए, और जो धर्म को बताना भी चाहते हैं तो उनको इग्नोर कर देते हम। जब तुम धर्म को इग्नोर करते हो तो मेरा ठाकुर तुम्हें इग्नोर करता है, तब तुम्हारी आंखों से आंसू बहता है, तब तुम्हारे जीवन में से शांति गायब हो जाती है। अगर शांति पाना चाहते हो तो इसी कथा को मर्यादित होकर सुनो। आत्मदेव जिसके कोई औलाद नहीं है, संत की कृपा से पुत्र हुआ तो एक दुष्ट भी पैदा हो गया,
संत की कृपा से गौकर्ण और कपट से धुंधकारी। कथा पूरी है, आप सबको मालूम है, कई बार सुनाई है, सिर्फ प्रसंग पूरा करना है, मुझे क्रम पूरा करना है, इसलिए शॉर्ट में सुना रहा हूं। कपट, जो संसार में रहकर ईश्वर से कपट करता है वही धुंधकारी है। धुंधकारी कौन है? जो धर्म को न माने वो धुंधकारी, जो अपने मां बाप की रिस्पेक्ट न करे वो धुंधकारी, जो अपने धर्म का सम्मान न करे वो धुंधकारी, जो समाज सोसाइटी कंट्री के प्रति जिसका कंट्रीब्यूशन न हो वो धुंधकारी। हम लोग सरकारों से बहुत सारी उम्मीद रखते हैं, सरकार ये करे ये करे ये करे, लेकिन हमने सरकारों को क्या दिया? एक वोट भी फ्री में नहीं दी। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। अभी मैं न्यूजों पे सुन रहा था, लास्ट में जिस दिन दिल्ली में वोटिंग होने वाली थी, कितने लाखों करोड़ों की मदिरा पकड़ी गई। वो किसके लिए थी? वोटरों के लिए। तो जब आप वोटिंग भी फ्री नहीं कर सकते तो फिर आप इस देश के लीडरशिप से ईमानदारी की उम्मीद रखते हो, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, अपने आप के साथ फ्रॉड है। जब तुम ही ईमानदार नहीं हो तो तुम्हारे शासक ईमानदार कैसे हो सकते हैं? बोलो राधे राधे। कभी सोचा है एक लीडर को चुनाव लड़ने में कितने रुपए खर्च होते? वो तुम्हारी वजह से। तो हम लोग भी जब तक ईमानदार नहीं रहेंगे, समाज सोसाइटी कुछ भी, तो सबसे पहले अगर धर्म की रक्षा करनी है तो हमें अपने धर्म के प्रति वफादार और ईमानदार होना पड़ेगा। धर्म को बचाओ, आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ करो। तो मेरे प्यारे, आत्मदेव का पुत्र धुंधकारी वो कपटी है। मैंने तो देखा है कई लोग, चलो छोड़ो, कपट बहुत तरीके के होते हैं, धर्म को न मानना और ईर्ष्या करना, धर्म में जाते हैं फिर भी धर्म की निंदा करते हैं, ये भी कपट है। कहते तो हैं ईश्वर है फिर भी कपट करते हैं, मांगते भी उसी से, यकीन भी उसी पे नहीं है। तो ये सब चीजें कपट है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है वो धुंधकारी है, जो भगवान को न माने, धर्म को न माने, मां बाप की रिस्पेक्ट न करे वो धुंधकारी है। और गौकर्ण जो ये सब न करे वही गौकर्ण, मतलब धर्म का पाठ करता हो, धर्म को मानता हो, मां बाप का रिस्पेक्ट करता हो, धर्म के प्रति सचेत हो, वेद पाठ करता हो, ये गौकर्ण है। धुंधकारी की वजह से समाज दुखी होता है, गौकर्ण की वजह से समाज सुखी होता है। गौकर्ण की वजह से आत्मदेव सुखी है और धुंधकारी की वजह से आत्मदेव दुखी है। आत्मदेव दुखी थे, रो रहे थे, तो गौकर्ण जी महाराज ने उन्हें सुखी कर दिया, न सिर्फ एक क्षण के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश दिया, बोले अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से आप सुखी नहीं हो सकते। कौन कौन सुखी होना चाहते हैं बताइए जरा, सुखी कौन कौन होना चाहते हैं? सभी होना चाहते हैं। अगर मुझे अहमदाबाद आना हो, अहमदाबाद आना हो और मैं फ्लाइट पकड़ लूं मुंबई की, तो मैं आऊंगा? कसूर किसका है? मुझे आना अहमदाबाद, 6 तारीख को कथा शुरू करनी है अहमदाबाद में, और मैं 6 की मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़ के चला जाऊं मुंबई और कहूं कि मुझे अहमदाबाद में कथा शुरू करना है, तो गलती किसकी है? फ्लाइट वालों की कि मेरी? मेरी है ना। मैंने सही फ्लाइट का चयन नहीं किया, मैंने सही रास्ते का चयन नहीं किया। आई एम रॉन्ग माई डियर, आई एम रॉन्ग। सुखी सब होना चाहते हैं और रास्ता कौन सा चुना? बोले दुख वाला। मदिरालय में सुख मिलेंगे? जुआले में सुख मिलेंगे? और जो इसको डिस्को विस्को जो होते हैं, थिएटर जो होते हैं, वहां सुख मिलेंगे? ये सब दुख के रास्ते हैं जो हर एक नौजवान पर हावी हैं, हर एक बुजुर्ग पर हावी हैं। कुछ बच गए हों 2-4% वो बात अलग है, जो दुख के रास्ते हैं वहां चले जाते हैं और कहते हैं सुख चाहिए। लाइक जो मैंने अभी कहा, अगर अहमदाबाद आना है फ्लाइट पकड़ ली मुंबई की,
हाउ टू रीच द अहमदाबाद, कैसे पहुंचेंगे हम यहां अहमदाबाद में? सुख के रास्ते क्या हैं सुन लीजिए, जो ईमानदारी से सुख पाना चाहते हैं भागवत में उनको मार्गदर्शन कराया गया है। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, तो रास्ता बहुत ईजी है। बता दूं कि रहने दूं? तुम ना भी कहोगे तो भी बताऊंगा। धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान, सेवस्व साध पुरुषान, जहि काम तृष्णा। अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। जिस जीव को सुख प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, उनके लिए रास्ता क्या है? बोले निष्काम भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, सेल्फलेस वर्क, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में, ऐसा धर्म और सोसाइटी के लिए काम करें। माफ करना, आजकल तो थोड़ा सा हम लोगों को धर्म में भी कुछ अटैचमेंट हो गई है, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट मीन्स कुछ स्वार्थों की अटैचमेंट कर रहा हूं, धर्म से तो अटैचमेंट सबकी होनी चाहिए, स्वार्थ जुड़ गए कुछ, वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सीधे सेल्फलेस वर्क, कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। धर्म कैसा? निष्काम, कोई स्वार्थ नहीं मेरा। धर्म भजस्व सततम तजलोक धर्मान, दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ठाकुर जी को अपना मानते हुए, ये जिम्मेदारी जो तुम्हें दी है भगवान ने, परिवार चलाना, ये तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का ही है। तुम्हारा है कहां? अगर तुम्हारा होता या इस समाज का होता तो ये दुनिया वाले जितने मर गए वो कुछ तो ले जाते अपने साथ, कोई नहीं ले गया ना, सब यही है, यही है। इसका मतलब क्या है? मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, राजी से नहीं तो जबरदस्ती। जब मर जाते हो तो यही रह जाता है ना, हम मर जाएंगे तो यही रह जाएगा ना, तो भगवान ने कहा तू राजी से नहीं देगा तो जबरदस्ती ले लूंगा, मरना तो पड़ेगा, तो तब मेरा ही है। तो जो भी हमारी ये जिम्मेदारी है, बेटा बेटी, हार व्यवहार, परिवार, ये ठाकुर का समझना चाहिए, अपना नहीं। ये किसका है? बोले ठाकुर का, उसी ने मुझे दिया है। आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं उसका सेवक हूं बस। He's the my boss, वो हमारा मालिक, और वो जब मालिक है तो हम तो उसी की काम करेंगे। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा धर्म करे, भक्ति करे, निष्काम भक्ति करे। जीवन में जब भी कोई साधु संग हमारे को प्राप्त हो तो उसे कभी जाने ना दे अपने हाथ से। अपने जीवन में सत्संग जरूरी है। अब पूछेंगे सत्संग क्यों जरूरी है? आप अगर कोई सोने के गहने बनवाओ और अगर वो इधर उधर से टूटने या फिसलने लगे तो आप क्या करते हो? जवाब दो, क्या करते हो? जब गहने इधर उधर थोड़ा फिसलने लगते हैं, अंगूठी थोड़ी तिरछी होने लगे या पुरानी सी दिखने लगे, तो उसे ज्वेलर्स के पास ले जाते हो कि नहीं? किस लिए? इसे रिपेयर कर दो, इसे थोड़ा चमका दो, इसे थोड़ा ठीक ठाक कर दो। जब जिंदगी जीते जीते तुम्हारी लाइफ डैमेज होने लगे, कुसंग से डैमेज होने लगे, तब तुम सत्संग में जब आते हो, तो सत्संग में जब तुम आते हो तो तुम्हारे जीवन की रिपेयरिंग हो जाती है, तुम्हारे विचारों की रिपेयरिंग हो जाती है, तुम्हारे कर्मों की रिपेयरिंग हो जाती है। और जब यहां अभी देखो, अभी कथा सुन रहे हो ना, अभी विचार कैसे शुद्ध हो गए आपके? पहले ही दिन की कथा है, सातों दिन कथा के बाद तो हो सकता है इनमें से एक आदमी मुझसे लास्ट वाले दिन कहे कि हमें आपके साथ चलना है, वृंदावन ले चलो, हम तो वहीं रहेंगे। अरे मुझे लास्ट टाइम कहा था कईयों ने भाई, पर आश्रम अभी तैयार नहीं इसलिए रह गए, अभी 15 तक वेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा कौन कौन चलना चाहता है? नीचे करो। यही वो लोग थे जो लास्ट ईयर कह रहे थे हमें आपके साथ चलना है। अब देखो ये किसने की रिपेयरिंग? सत्संग ने, भागवत ने। ये विचार, जहां दुनिया अपनों की जेट भर के पड़ी है, वहीं आप वृंदावन जाने के लिए तैयार खड़े हो। किसकी वजह से?
ये सच समझ में आया किसकी वजह से? भागवत की वजह से। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है कि जब जब हमारी लाइफ डैमेज होने लगे, जब जब हम गलत रास्ते पे हमारे विचार जाने लगे, तब तब हम सत्संग स्वीकार करें, और जब सत्संग में जाएंगे तो विचार जो बढ़िया हो जाएंगे और उनकी देखरेख हो जाएगी, पुनः हमारा जीवन चमकने लग जाएगा। इसलिए भागवत जरूरी है, इसलिए सत्संग जरूरी है। साधुओं की सेवा जीवन में जरूर करनी चाहिए। कैसे करें महाराज? आजकल तो ये सब हो रहा है, हैं? कैसे करें साधुओं की सेवा? कल मैं एक बात कह रहा था जब घर में हम लोग बैठे थे, इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है हम सब की। हम लोग कभी भी अपने धर्म को बचाने के लिए आगे नहीं आते। मान लो मैं कुछ बात कह भी दूं, अगर कोई गलती है तो इंसान की गलती है, धर्म की नहीं। एक व्यक्ति को रखकर जिस तरह से पूरे धर्म को ताक पे रख दिया गया पिछले 3-4 महीनों से, और तो और आप जैसे हम जैसे लोग, हम नहीं करते धर्म, देख नहीं रहे क्या हो रहा है तेरे बाप का, इधर आ मैं बताऊं तुझे क्या हो रहा है इधर, है ये कोई बात है? तो अब जब मर जाए तो ब्राह्मण मज्जमयी हो, जब माँ बाप का श्राद्ध आए तो ब्राह्मण मत जीवई हो, अब मत करियो धर्म कर्म, क्यों? अब तो समझ जी, अब मत करियो नहीं तो नरक में जाएंगे तेरे माँ बाप, हैं? वो सब करने के लिए धर्म है। जब नुकसान हो जाए तो भगवान को सुनाने जाएगा, गुरु जी उपाय बता दो, पंडित जी उपाय बता, उसके लिए धर्म है। लेकिन जब धर्म के लिए कोई सपोर्ट मांगे उसके लिए नहीं, हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं हो, ईमानदार नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझ में तो आपका इतना विश्वास है, प्रेम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप सबसे निवेदन है, मुझ में विश्वास रखो मत रखो ये तुम्हारी थिंकिंग है, लेकिन अपने धर्म में इससे 1000 गुना ज़्यादा विश्वास रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझ में 1% भी मत रखो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप सब इंसान हैं। अपने धर्म को पकड़े बैठे रहो, बस साधुओं की सेवा करते रहो। अगर तुम साधुओं की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे संस्कारी बनेंगे। और भगवान की कथा, नितराम पिबत्वम, नॉट ओनली वन डे, एवरी डे यू विल लिसन द श्रीमद् भागवत कथा, बिकॉज ये भागवत जो है ये साक्षात कृष्ण ही है, कृष्णा इटसेल्फ, स्वयं श्री कृष्ण है। नितराम पिबत्वम, भागवत रास्ते बता रहा है, साधुओं की सेवा करो, सत्संग जीवन में स्वीकार करो, निष्काम धर्म की रक्षा करो, और फिर आप देखना तेरा जीवन कैसे खिल जाएगा, हीरे की तरह, डायमंड की तरह चमकने लग जाएगा। और तुझे किसी को अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं, जब तू चमकने लगेगा तो जौहरी अपने पास तेरे चारों तरफ राउंड लगाने लग जाएंगे, अपने आप राउंड लगाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? आए हाय मेरे प्यारे हो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। ये उपाय है तुम्हारे सुख के, कभी कृष्ण को मत भूलो। जीवन में ये सत्संग नहीं जाना चाहिए कभी भी, जीवन में आते रहे सत्संग, साधुओं की सेवा, निष्काम धर्म की रक्षा, अगर आप करते रहेंगे आपके जीवन में कभी बेचैनी नहीं रहेगी, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अंत तो गत्वा मोक्ष मिलेगा, और मे भी तुम्हें कृष्ण का दर्शन भी हो सकता है। अभी जब मैं कल आ रहा था ना फ्लाइट में, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मिल गए संयोग से दिल्ली एयरपोर्ट पे, मेरे को देखा, मैं आपको सुनता हूं, मैंने कहा बहुत सौभाग्य है, बोले आप, मैं थोड़ा ठीक कथा करते ना आप, मैंने हाँ कभी कभी, अच्छा, मैंने हाँ, मुझे आपसे पूछना है। क्या पूछना है? मुझे आप बताइए, निधिवन में जो चमत्कार होता है वृंदावन में, व्हाट इज दिस? कहते हैं निधिवन में राधा कृष्ण आते हैं, मैंने हाँ, वो दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर ये सब होता है और किसी को दर्शन दिखाई नहीं पड़ते, मैंने हाँ।
ये क्या हुआ, आते भी हैं और दिखाई भी नहीं पड़ता। मैंने कहा माय डियर, जब आपके मम्मी पापा बेडरूम में होते हैं तो दरवाजा बंद होता है, और जब आपके नहीं, ये हंसने की बात नहीं, बहुत से लोगों को क्लेश रहता है इस बात का। राधा कृष्ण का जो अलौकिक दिव्य प्रेम है वो हम लोगों का, हमारा हृदय हमारा जीवन उतना श्रेष्ठ नहीं है कि हम उसका दर्शन कर सकें। नहीं समझे, भगवान की बनाई हुई लीला में से ही एक है सूर्य, दिन के 12 बजे छोड़ो, दिन के 10 बजे भी तुम आंखें टिका के देख लो, लगा के देख पाओगे? बोलो, नहीं दिखता। क्यों? इतनी रोशनी है, आंखें चुंधिया जाती है। तो वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, करोड़ों अरबों सूर्यों से प्रकाश उनमें मौजूद है, हम कैसे देख सकते उन्हें? हम नहीं देख सकते। हमारे ब्रज में कहते हैं एक दो लोगों ने दर्शन किया तो फिर वो धराधाम पर नहीं रहे। क्यों? बोले ठाकुर ने समझ लिया अब ये तो मेरे ही पात्र बन गए, अब तो मेरी लीला में इनका नित्य प्रवेश हो गया। वो ठाकुर की नित्य लीला में प्रवेश कर गए उसी टाइम। अब मैंने ये उपमा क्यों दी, माँ बाप जब बेडरूम में होते दरवाजा बंद होता है, क्यों? क्योंकि माँ बाप के कुछ पर्दे हैं ना, हम बच्चे हैं उनके, तो हमें उनके अंदर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रसिक अगर हम लोग बन जाएं, उस लेवल के रसिक बन जाएं, तब कहीं जाकर हमें ठाकुर जी थोड़ी सी कृपा देते हैं। और ये कलयुग का व्यक्ति तो इतना रसिक नहीं बन सकता, ये मेरा यकीन है। और मेरे अगर कोई बन जाए तो वो मेरे विश्वास को झुटला देगा, और मैं खुश हूंगा उस दिन जिस दिन कोई मेरे विश्वास को झुटला देगा। मुझे खुशी होगी कि इस कलयुग में इतनी उस श्रेणी पर पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल होगा ही नहीं। अगर कोई हो तो मैं तो कहूंगा ठाकुर जी हमें भी उसका दर्शन हो, क्योंकि ऐसे रसिक का दर्शन भी भगवत दर्शन से कम नहीं है, वो भगवत दर्शन ही है। तो मेरे प्यारे हो, इन तरीके की चीजों को हमारे बच्चों में जब तक ये पहुंचेंगे नहीं तब तक हमारे बच्चे हमारे धर्म को नहीं समझेंगे। तो आत्मदेव ने किसकी बात मानी? अपने पुत्र की। क्यों? क्योंकि यही शांति का रास्ता है, यही सुख का रास्ता है, और उन्हें मिला, ईश्वर मिला उन्हें। अपने बेटे की बात मानकर उन्हें ईश्वर मिला। तुम्हें शांति नहीं मिल सकती व्यासपीठ की बात मानकर? मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हें आज्ञा का पालन करना होगा। जो ये बताए गए रास्ते हैं, इन रास्तों को अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आत्मदेव ने बात मानी, उन्हें भगवत दर्शन हुआ। अंत तो गत्वा धुंधकारी मर के, वो मर गया, वो भी 4-5 बुरी स्त्रियों के द्वारा मार दिया गया, कथाक्रम मालूम है। मरने के बाद में प्रेत बन गया, और जब प्रेत बना तो गोकर्ण जी महाराज ने ही भागवत सुनाकर उसका कल्याण किया। इसी भागवत को सुनने के बाद प्रेत योनि में गया हुआ वो धुंधकारी, जिसे ठाकुर जी ने मोक्ष प्राप्त करा दी भागवत सुनने के बाद। तो हम लोग तो अभी धुंधकारी जैसे पापी तो नहीं होंगे शायद, हैं? क्या कहना चाह रहे हो तुम, भक्त हो हैं? बोले भक्त तो नहीं है पर उस रास्ते पे चलने की हैं जी। कौन कौन कोशिश कर रहा है? कोशिश कर रहे हो ना, तो आइए मैं थोड़े एक बार और आपको नियम बता देता हूं, किन नियमों के साथ आप कथा सुने। सबसे पहले नियम, कथा पूरी सुने, शुरू से लेकर आपको 2:30 बजे आना चाहिए और 6:30 बजे जाना चाहिए। 4 घंटे हैं भागवत के, हाँ या ना? हाँ, कल तो आपको और जल्दी आना पड़ेगा। कल कितने बजे है, जोर से बोलिए। कल 2 बजे से, सिर्फ कल ऐसा आपको तंग करेंगे हम, और कल भी पहले 2 बजे आप आ जाना एक दिन। अब ये ठाकुर जी की लीला है, वो पता नहीं क्यों चमत्कार करवाते हैं ऐसा। मुझे मालूम है थोड़ी सी हल्की सी धूप रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्हैया के लिए एडजस्ट करना आप लोग, और ठीक 2 बजे से पहले, क्योंकि कथा
दो बजे से चाहे पांच मिनट पहले आना, लेकिन बैठना और कथा पूरी 2 बजे शुरू हो जाएगी। और नियम जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं उन्हीं नियमों के साथ, 7 दिन कड़वा ना बोले। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमें कथा का फल नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप नियमों का उल्लंघन करते हो। मिला तो होगा लेकिन उतना नहीं जितना आपने सोचा। बोले फिर, बोले पूरा मिलना चाहिए। पूरा नहीं मिलेगा, तूने पूरे नियम पालन किए नहीं किए तो बोले पूरा कैसे मिल जाएगा। डॉक्टर साहब बताते हैं खुराक पूरी लेना, पहली खुराक से ही तेरा बुखार उतरना शुरू हो जाएगा, लेकिन बीच में छोड़ देगा तो दोबारा फिर आ जाएगा। डॉक्टर साहब की तो पूरी बात मानते हो, महाराज की पूरी बात नहीं मानते हो। इसका मतलब प्रत्येक महाराज को पहले डॉक्टरी करनी चाहिए फिर महाराज बनना चाहिए, ये तो गलत है। अगर आप डॉक्टर साहब की पूरी बात मानते हो तो प्लीज आप हमारी भी पूरी बात मानो। पूरे नियमों का पालन आप करें और जब आप पूरे नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरा लाभ मिलेगा। मैं तो आपसे कहूं, आप वैसे भी प्रेमी तो ही हो, पर फिर भी और कहता हूं 7 दिन अपने आप को भूल जाओ। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर होम, वेयर इज योर होम, सब कुछ भूल जाओ। आप घर क्या है, पता क्या है, नाम क्या है, काम सब भूल जाओ। एक ही चीज याद रखो कि मुझे 3 to 6:30 सिर्फ मैं कृष्ण का हूं और कुछ मेरा काम नहीं, और कोई काम नहीं मेरा। होते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, काम होता रहेगा। आप इन्हीं नियमों के साथ जब आप कथा श्रवण करते करने आते रहेंगे तो जहां तक मेरा विश्वास है मेरा ठाकुर आपकी उंगली छोड़ेगा नहीं, मेरा ठाकुर आपकी उंगली पकड़ के रखेगा हमेशा 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 के लिए। और जोर से बोलना पड़ेगा एक बार। इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? एक और निवेदन आप सबसे, जब ठाकुर जी अपनी कृपा करते हैं तब ही वो हमें इंसान बनाते हैं, मानव बनाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ठाकुर जी ने हम पर कृपा नहीं की, भगवान ने हम पर कृपा नहीं की। वो बड़ा खुश नसीब है जिसे मानव योनि मिली हुई है, चाहे वो उसके बाद कुछ भी कंडीशन हो। स्थिति पे मत जाओ, तुम्हारे पास मानव योनि है जिस मानव योनि में तुम भगवान की कथा सुन सकते हो। अभी मैं राजपुरा में कथा कर रहा था तो वहां एक चमत्कार मुझे देखने को मिला। जब मैं परिक्रमा करता कथा सुनाता तो एक श्वान आता, श्वान, और पूरे मंच की एक परिक्रमा करके चुप चला जाता। एवरीडे कम से कम 3 दिन ऐसा हुआ। मैं ठाकुर जी से पूछ रहा था, ठाकुर जी ये सब क्या है? तो अचानक से मेरे मन में आया, ये श्वान उन इंसानों से अच्छा है कि मानव योनि प्राप्त करने के बाद भी वो कथा पंडाल नहीं पहुंच सकते, ये व्यास पीठ की भागवत की परिक्रमा कर रहा है श्वान होकर भी। ये मेरी आंखों की, ये आपसे पहले कथा जहां की राजपुरा पंजाब में, वहां की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये श्वान उन इंसानों से अच्छा है। वो कुछ नहीं बोलता भी नहीं, कोई आवाज नहीं आती, वो ऐसे एक परिक्रमा करता और चला जाता, किसी को पता ही नहीं चलता फिर कहां गया वो। है ना इंसान से अच्छा, कितने पापी हैं वो। मिलता है मानव जीवन लेकिन आई डोंट हैव टाइम बिकॉज आई एम बिजी। तुम बिजी हो, अब बेटा मैंने तुम्हें फ्री कर दिया है, अब तू भी फ्री और यमराज के दूत भी फ्री, चकाचक आपस में सेटिंग करो और जितनी सेवा करवानी करवा, अब बजाओ ताली। श्याम कजरारी अकियन सो,
कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो अब उनकी सेना ही मेरे जिया सो अब उनकी सेना मेरे जिया सो अब उनकी सेना मेरे जिया सो ने ना लड़ गए श्याम पिया सो अब उनकी सेना ही मेरे जिया सो अब उनकी सेना मेरे जिया सो बात कछु कह गए नैनन सो बात कछु कह गए नैनन सो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो समरिया छाले पर गए पामन में ढूंढत ढूंढत दो समरिया छाले पर गए पामन में ढूंढत ढूंढत दो समरिया छाले पड़ गए पामन में ढूंढत ढूंढत दो समरिया छाले पर गए पामन में ओ अब नहीं चैन परे उर मेरे मैं ढूंढो वाय साज सवेरे नीर नित बरसे नैनन सो नीर नित बरसे नैनन सो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो तीर मो में मार गयो की अखियां प्यासी मिले श्याम बन जाऊं दासी 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 ओ श्याम दरस की
बावरी कह गयो मेरन सो बावरी कह गयो नैनन सो बावरी कह गयो नैनन सो तेर मो में मार गयो लूट मेरो दिल गयो तेर मो में मार गयो लूट मेरो दिल गयो शाम कजरारी अकियन सो शाम कजरारी अकियन सो शाम कजरारी लिपट जाऊं लिपट जाऊं लिपट जाऊं तेरे चरणन सो लिपट जाऊं तेरे चरणन सो लिपट जाऊं तेरे चरणन सो तेर मो में मार गयो लूट मेरो दिल गयो तेर मो में मार गयो लूट मेरो दिल गयो श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो तीर मो में मार गयो लूट मेरो दिल गयो शाम कजरारी अखियन सो शाम कजरारी अखियन सो जय राधे राधे 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 ओ वृंदावन में राधे राधे वर्षाने में राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्याम कजरारी अखियन सो तीर मोह में मार गयो लूटे मेरो दिल ले गयो तीर मोह में मार गयो लूटे मेरो दिल ले गयो घर जाने की जल्दी है क्या किस किस को है किस किस के पास टाइम है श्याम कजरारी अखियन सो श्याम कजरारी अखियन सो तेर मो में मार गयो लूट मेरो दिल ले गयो तेर मो में मार गयो श्री रामचरितमानस
और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रियाकांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 07351112221 07351111331 07351111441 वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscd.com ईमेल info@shantisevadham.com info@vsscd.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।